हेलो गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पर आज हमने फ्रेश नारियल का एक नई डिश बना के तैयार करेंगे। तो मैंने इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रीजर में हमें रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। और इस तरह से इसके अच्छे से हम पिटाई करेंगे। देख सकते हैं बड़ा इजी इसका छिलका निकल आएगा। तो अच्छे से हम इसकी पिटाई करेंगे। देख सकते हैं ये अपने आप निकल रहा है और ये निकल आए। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, ऊपर का भाग निकाल देंगे। इस तरह इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें 2-3 चम्मच दूध डालेंगे। आपके पास अगर दूध नहीं है तो आप जो नारियल का पानी निकलता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बिल्कुल हम स्मूथ पीस लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, बिना घी के आज हम मिठाई बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया इसको जो हमने नारियल का पेस्ट बनाया था। अब उसमें डालेंगे 1 कटोरी ढल नारियल। तो आधी कटोरी यहाँ पर मैंने चीनी लिया है। अब इस समय इसी कटोरी से हमने लिया है, इसे अच्छे से हम हाई टू मीडियम में से पकाएंगे। थोड़ा गाढ़ा होने के बाद हम यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल दिए। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रेश क्रीम, जो घर की निकली हुई क्रीम, आप डाल सकते हैं। अब इसे थोड़ा पकाएंगे। पकाने के बाद थोड़ा सा इसे अलग करेंगे और इसे इस तरह से हम हाथों से चेक कर लेंगे। ये देखिए पूरा ड्राई हो चुका है और पक गया है। तो इसका हम इतना भाग निकाल लेंगे, आधा से कम हमने निकाला है। यहाँ पर कटे हुए पिस्ता लेंगे, बादाम लेंगे और थोड़ा सा येलो फूड कलर लेंगे। तो इसमें हमने मिला लेंगे जो हमने बचा के रखा था। तो देखिए कितने देखने में टेस्टी लग रही है ना, तो खाने में उतनी ही टेस्टी, तो आप ज़रूर बनाएं। तो इस तरह से हमने मिला लिया है। अब कटे हुए पिस्ते डाल देंगे, बादाम डाल देंगे, इनको भी अच्छे से मिला लेंगे। छोटे छोटे बॉल बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह हमें बॉल बना के तैयार कर लेना है। अब एक सफ़ेद वाला भाग लेंगे, इस तरह गोल करेंगे, बीच में इस तरह गड्ढा कर देंगे। तो इसको अच्छे से हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा फ्रेश करके इसको लोई बना के चिकना बना लेंगे। फिर से इस तरह से हमें बना के तैयार कर लेना है। देखिए बिल्कुल कहीं से क्रैक ना हो, इस तरह हम बना के तैयार कर लेंगे। दूसरा भी बना लेंगे। ऐसी मिठाई बहुत अच्छी लगती है खाने में। और बाहर की मिठाई आप बिल्कुल ना लें, बहुत मिलावटी आ रही हैं। तो आप ज़रूर घर पर ही बना के तैयार करें। तो देखिए एक बच गया था, तो मैंने येलो कलर का भी पेड़ा बना के रख लिया। अगर आपको कलर डालना है तो आप अपने जो आपको कलर अच्छा लगे इस तरह बना के तैयार कर सकते हैं। ठंडा करने के बाद ये बिल्कुल 1 घंटे के बाद सेट हो गए। तो देखिए इस तरह हम कट करेंगे और ये कितना देखने में अच्छा लग रहा है। तो इस तरह हम कट कर लेंगे इन सबको। देखिए कितनी टेस्टी माउथ वाटरिंग मिठाई हमारी बनके तैयार हुई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कितनी टेस्टी मिठाई बनके तैयार हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।